हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो 334 में 57 का डिवाइड कैसे करें? बच्चों डिवाइड करने के लिए करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है, आसान है। हमें चेक करना है क्या दी गई संख्या 57 से बड़ी है। देखिए, दो अंक की संख्या, तो पहले दो अंक के साथ तुलना करूँ, क्या 57 से बड़ी है? आंसर है नहीं। तो फिर हम अगला अंक शामिल करेंगे। बड़ा आ गया तो हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 57 को 1 से लेकर 9 तक रेंज में कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 334 से बड़ा ना आए? चलिए ट्राई करते हैं। इसको मैं गुणा करता हूँ 6 से, इससे बड़ा आ रहा है। मैं गुणा करता हूँ 5 से, 7 5 35, 3 कैरी आ गया, 25 और 3 28, किससे गुणा किया हमने 5 से, कितना आ गया। फिर हम इसको घटाते हैं, कितना आ गया 9 4 49 आ गया। अब ध्यान से देखो, जो घटाने पर संख्या आ रही है वो आपका क्या 57 से छोटी है? यस, 49 है जो कि 57 से छोटी है। इसका मतलब डिवाइड हमने सही किया। ये भी साथ ही साथ ध्यान रखें कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उससे कम होगा, यानी घटाने पर संख्या छोटी आएगी। किससे? यहाँ पर किसका भाग दे रहे हैं? 57 का, 57 से। पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ गया। अब जैसे हम 57 को गुणा करते हैं भाई कितने से? 9 से, तो आपका इससे बड़ा आ रहा है। हमने गुणा किया 8 से, 7 8 56, 5 के आ गया, 8 5 40 और 5 कितना 45। किससे गुणा किया बच्चों? 8 से, कितना आ गया। फिर हमें इसको घटाना है, कितना आ गया 4 3, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 आ जाएगा। 57 को 6 से गुणा करते हैं, 7 संग 42, 4 के आ गया, 5 संग 30 और 4 34, इससे बड़ा रहे तो आपका भाग गया फिर 5 बार, कितना आ गया। फिर हमने घटाना होता है, कितना आ गया 5। अब यहाँ बन गया आपका 13, 13 में से गया 8, कितना आ गया 5। पॉइंट लगा रखा इसके साथ 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ये डिवाइड स्टेप बाय स्टेप आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या बन गया आपका भागफल, 5.85। ओके,